आज मैं बनाने जा रही हूँ कम ऑयल में बनने वाली झटपट बनने वाली रेसिपी। और ये है व्रत के चावल के पुलाव। और व्रत में ये बनाइए, आप खाइए, आपको ज़रूर पसंद आने वाले हैं। तो बने रही है मेरी वीडियो में मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, कैच लाइव विद शीतल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं समा के चावल का पुलाव। और इसके लिए मैंने 200 ग्राम समा के चावल ले लिए हैं। और इसी को हम अच्छी तरह से धो के साफ कर लेंगे। और इसको फ्राई करने के लिए मैंने लिया है जीरा। और हम लेंगे देसी घी। और इसको तड़के में हम यूज करेंगे काजू। और इसमें हम मिलाएंगे व्रत वाला सेंधा नमक। और यहाँ पे काली मिर्च को मैंने क्रश कर लिया है, हरी मिर्च चॉप कर ली है, और मैंने ले लिए हैं 2 बड़े आलू जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़े टमाटर जो हमने बारीक काट लिए हैं। तो चलिए इन सभी को हम फ्राई करते हैं। व्रत के समा के चावल का पुलाव बनाने के लिए हमने एक कुकर ले लिया है। और कुकर में हम डालेंगे देशी घी। और इसमें डालेंगे हम जीरा। जीरा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर, फिर डालेंगे हम इसमें काजू, और हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, इसमें हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर, इसमें हम डालेंगे सेंधा नमक व्रत का, और इसमें हम डालेंगे आलू, इनको अच्छी तरह से मिला लेंगे और भूनेंगे अच्छी तरह से 2-4 मिनट। टमाटर भी अच्छी तरह से गल चुके हैं और आलू भी हमने भून लिए हैं। अब हम डालेंगे इसमें समा के चावल जिसको हमने अच्छी तरह से धो लिया था। समा के चावल व्रत में बहुत ही पौष्टिक होते हैं और इन्हें हमें जरूर खाना चाहिए। और इसमें हम डालेंगे, समा के चावल पानी भी बहुत लेते हैं, सोखते हैं, इसलिए हम इसमें दुगना पानी डालेंगे। जितने समा के चावल थे उससे दुगना हम पानी इसमें डाल देंगे। और इसको हम चला देते हैं। उबाल आने तक ढककर पकाएंगे। देखिए इसमें उबाल आ चुका है, अब हम इसको चला लेंगे। और इसका ढक्कन लगाकर 1 सीटी आने तक इसको मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। कुकर में 1 सीटी आ चुकी है, अब इसे हम 5 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। और चलिए हम बनाते हैं पुलाव के साथ खीरे का रायता। इसके लिए मैंने लिया है दही। और इसके लिए मैंने कर लिया है, खीरे को घिस लिया है। और इसके लिए व्रत का नमक, काली मिर्च पाउडर और धनिया, धनिए को मैंने चॉप कर लिया है, और बारीक कटी हरी मिर्चें। तो चलिए, और ये दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे खीरा, इसमें हम डालेंगे नमक व्रत वाला, जितना भी आप खाएं। इसमें हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर, इसमें हम डालेंगे हरा धनिया और थोड़ी हरी मिर्चें, ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाती हैं इसमें। तो इसको अच्छी तरह से हम चला लेते हैं। दही में हमने सभी चीज़ों को मिला लिया है, अब हम इस पे डालेंगे भुना हुआ जीरा। और अब ये हमारा रायता तैयार है।
समा की चावल का पुलाव बनकर तैयार है और देखिए ये कितना खिला खिला बना है। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। तो लीजिए, तैयार है व्रत के चावल का पुलाव और इसको मैंने सर्व किया है खीरे के रायते के साथ। और आप भी इसको व्रत में बनाइए और खाइए, और आपको कैसा लगा वो भी कमेंट्स कर बताइए। तो ओके, बाय बाय दोस्तों।